जनपद उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित चार धाम यात्रा चरम पर है। प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु दोनों धामों पर दर्शन पर पहुंच रहे हैं और अभी तक दोनों धामों पर रिकॉर्ड 3 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। यात्रा की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी लगातार सक्रिय हैं। SP यात्रा सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भीड़ और यातायात नियंत्रण के लिए कई बार रोड पर उतरकर स्वयं मोर्चा संभाला। अगले कुछ दिनों तक यात्रा पीक की संभावना और मॉनसून को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों को अतिरिक्त सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने की हिदायत दी गई। साथ ही दोबाटा यात्री पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण करते हुए पंजीकरण केंद्र पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन को सही तरीके से चेक करने, फर्जी रजिस्ट्रेशन की कड़ी निगरानी के साथ साथ तीर्थ यात्रियों से सभ्य मृदुल व्यवहार, सही मार्गदर्शन और यात्रियों की हर संभव मदद के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। आज 22 तारीख को आज मैं जंग की छट्टी और जो पूरा यमुनोत्री रूट है उसका निरीक्षण पे निकले और जो फोर्स है उसके मनोबल बढ़ाने के लिए भी जो है हमने काफ़ी उनसे बात की और उनसे जो भी समस्याएं हैं सुझाव दिए और यात्रियों से भी फीडबैक लिए। यात्रियों का फीडबैक जो है काफ़ी अच्छा है, सब लोगों को अच्छे दर्शन हो रहे हैं और जो यात्री दूर दराज से आ रहा है उनसे मेरा विनम्र और करवट निवेदन है कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो यात्रा पे जो भी आ रहा है वो अनिवार्यतः पंजीकरण करा के आए और उसी दिन का पंजीकरण लेके आए जिसमें उसके दर्शन करने हैं। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप परेशानी में हैं तो आप उसको ज़रूर कॉल कीजिए। उत्तरकाशी पुलिस जो है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए।